हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी न्यूज आ रही है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट पर इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की स्कीम की, मैं बात कर रहा हूँ पीपीएफ की, एनएससी की, किसान विकास पत्र की, सुकन्या समृद्धि योजना की और टीडीज की। इन सब पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता था, गवर्नमेंट ने उसको काफी रिड्यूस कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस पर गवर्नमेंट क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, और पिछले क्वार्टर से ये सेम बनी हुई थी। गवर्नमेंट इन्हें कम नहीं कर रही थी, पर अब बैंक ने भी इनको काफी रिड्यूस कर दिया है। अभी थोड़े टाइम पहले एसबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को काफी गिरा दिया था, उसी को देखते हुए इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया था। और ये इंटरेस्ट रेट आज 31 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, जिसमें इन इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया गया है। और ये जो रिडक्शन है वो 70 बेसिस पॉइंट से लेके 140 बेसिस पॉइंट तक है, यानी आप ये मान लीजिए कि 0.7% से लेके 1.4% तक है, इतना कम कर दिया गया है। जहां ये इंटरेस्ट रेट अभी तक काफी अट्रैक्टिव थी, जो सीनियर सिटीजन थे या काफी लोग थे जो अपना पैसा नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में डालना चाहते थे, उनको लिए बहुत अट्रैक्टिव थी, पर इनको अब रिड्यूस कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीपीएफ पे, एनएससी पे, किसान विकास पत्र पे, सुकन्या समृद्धि योजना पे, टीडीज पे ये जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुई है, इनको कितना कर दिया गया है। तो बने रहिए वीडियो में, आइए जानते हैं न्यू इंटरेस्ट रेट्स को। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये अप्रैल टू जून है, यानी अप्रैल मई जून 2020 तक के लिए हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ न्यू इंटरेस्ट रेट एज वेल एज ओल्ड इंटरेस्ट रेट। ये जो सर्कुलर आया है आप देख सकते हैं 31 मार्च 2020 को आया है, और ये जो एप्लीकेबल है यानी ये जो इंटरेस्ट रेट लागू होंगे वो 1 अप्रैल 2020 यानी कल के दिन से लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ सेविंग इंस्ट्रूमेंट लिख रखे हैं, पुराने रेट लिख रखे हैं, ओल्ड रेट और न्यू रेट। अब घट के रेट क्या हो गए हैं? जी दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। पीपीएफ की बात करते हैं, जिसमें ईटीसी का बेनिफिट मिलता था, काफी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, जो ये 7.9% था, इसको रिड्यूस करके 7.1% कर दिया गया है, यानी नए इंटरेस्ट रेट 7.1% मिलेंगे और ये एनुअली मिलते हैं। एनएससी की बात करते हैं दोस्तों, एनएससी में भी लोग टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और ये 7.9% मिलता था एनुअली, इसको भी हटा के कम कर दिया गया है और 6.8% कर दिया गया है, यानी 1.1% कम कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना, दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए कराया जाता था, जो छोटी बच्चियां थी उन पर इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा रखा गया था 8.4%, क्योंकि लोगों को प्रमोट किया जाता था कि वो अपने बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता था, उसमें इन्वेस्ट करें। इसको रिड्यूस करके काफी कम कर दिया गया है और 7.6% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र की बात करें तो इसको भी 7.6% से घटा के 6.9% कर दिया गया है। 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें, जो पोस्ट ऑफिस में करते थे, जहां 7.2% इंटरेस्ट रेट मिलता था, आप देख सकते हैं उसको कितना कम कर दिया गया है, 5.8% कर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, इसको काफी कम कर दिया गया है। और भी स्कीम्स में मैं अभी आगे आपको दिखाता हूं, पर आप ये देखिए इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, यानी जो लोग डिपेंड होते थे नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे, इन इंस्ट्रूमेंट्स पे, उनकी इनकम काफी कम हो जाएगी। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और सेविंग इंस्ट्रूमेंट कि पोस्ट ऑफिस में जो आप टीडी कराते थे, टाइम डिपॉजिट 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर की, जिस पे पहले 6.9% मिलता था, उस पे अब 5.5% हो गया है। ये दोस्तों क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, मैंने यहाँ लिख रखा है 5.5% करेंट रेट है, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया है, और ओल्ड वाला रेट क्या था, 6.9%। तो आप देख सकते हैं इसको 140 बेसिस से कम कर दिया गया है, यानी करीबन 1.5% का रिड्यूस कर दिया गया है। 5 ईयर टीडी की बात करें दोस्तों, तो जहां पहले ओल्ड 7.7% मिलता था, उसको घटा के 6.7% कर दिया, यानी सीधे 1% का कट किया गया है। 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखें तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन काफी इसमें इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि रिस्क नहीं था, इंटरेस्ट काफी अच्छा मिल रहा था 8.6%, इतना इंटरेस्ट रेट कहीं भी अवेलेबल नहीं था, उसको रिड्यूस करके 7.4% कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमने देखा इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया गया है, टीडी पे 5.5%, यानी बैंक से भी काफी कर दिया गया है, बैंक भी आजकल बहुत सारी बैंक 5.9% दे रही है। तो दोस्तों, आप ये इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, साथ ही साथ एक बार मैं बैक भी दिखा देता हूँ, न्यू इंटरेस्ट रेट क्या हो गए हैं, 7.1% हो गया है पीपीएफ पे, एनएससी पे 7.9% से घटा के नया हो गया है 6.8%। तो दोस्तों, यही मुझे खबर देनी थी आपको, मैं ऐसे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त, मैं सजेस्ट करूंगा आप इन्हें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपडेट रहें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 1 अप्रैल आते ही बहुत सारे लोग प्लान करने लगते हैं कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिससे उन्हें आगे अच्छी रिटर्न मिले।
तो दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट आगे भी कम हो सकते हैं, होप सो, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ा सा रिसेशन आया हुआ है और उसको कवर अप करने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर करंट अपडेट्स में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू।